आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पिक्स आर्ट से पिक्चर कैसे एडिट करें। तो इसके लिए पहले हमें जाना होगा प्ले स्टोर में, और फिर प्ले स्टोर के बाद हमें सर्च करना होगा पिक्स आर्ट के लिए। तो पिक्स आर्ट नाउ, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो ये इंस्टॉल दिखाएगा। मैंने पहले से डाउनलोड किया है तो ये ओपन दिखा रहा है। तो ओपन, लिस्ट के आइकन पर दिखाएं, क्लिक करें। वो पिक्चर पर दिखाएं जो आप वाइप करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं। डिटेक्ट में जाएं और फिर इसके बाद हमें वाइट टीथ वाइटनिंग में जाना है। यह टीथ वाइटनिंग अकेले टीथ के लिए नहीं है, इससे हमारे फेस भी वाइट हो जाएगा। जैसे आइए देखते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क है तो हाई शुरू करते हैं। ये जो ट्रिक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तो ये शायद आपने तो नहीं कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने खुद से ही सीखा है। तो इसके लिए एक लाइट तो बनता है। इस ब्रश को वहाँ वहाँ लगाना है जहाँ थोड़े से हेयर हो। ये जो कि ये आईब्रोज और ये सब से ना, इस पर नहीं लगाना। हाँ, आइज का ज़्यादा ख्याल रखना है और हेयर का, इससे हेयर भी रिमूव हो जाएंगे जो फेस पर है। अच्छा, इससे लिप्स नहीं करना और बियर्ड नहीं करना। और जो थोड़े थोड़े हेयर है ना, उस पर भी लगा सकते हैं। सोचिए वो हेयर भी रिमूव हो जाएंगे। और अब चूंकि फेस ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रहा तो हम इरेजर को लेंगे, जिससे हार्डनेस को कम करेंगे, ओपेसिटी को कम करेंगे और साइज को थोड़ा बढ़ा देंगे। अब थोड़ी रियलिस्टिक लुक आ रही है, क्योंकि बियर्ड ज़्यादा डार्क है तो हम ब्रश की ओपेसिटी को भी कम करेंगे और उसके बाद हम बियर्ड को एडजस्ट करेंगे। ज़्यादा डार्क होने की वजह से ये अच्छी नहीं लगेगी। तो हो गया। अब जैसे पेड़ के निकले वाले हिस्से थोड़े खराब लग रहे हैं तो इसको फिर देखते होंगे। इसकी लाइन तो ज़्यादा खराब आ रही है तो इसके लिए हमें ब्रश दोबारा लेना है, उसके ओपेसिटी को ज़्यादा करना है, इरेजर से इस हार्डनेस ज़्यादा करनी है। तो अच्छा, ये हो गया। नाउ क्लिक, बहुत खूबसूरत लग रहा है, देखो। ओके डन, एपिक में जाए और पहले कार्टूनाइजर को ढूंढे, आर्टिस्ट में कार्टूनाइजर को ढूंढे। तो इसके कार्टूनाइजर की मैजिक टू को बिल्कुल जीरो कर लें और इरेजर को लें और इसके फेस पर सिर्फ हमें ड्रा करना है। इससे फेस मूव हो जाएंगे और डार्क डब्बे भी हट जाएंगे। तो ये फेस
मैं भी पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने पिक्चर को सीन करने के लिए। और जो छोटे छोटे हेयर है ना, वो पहले वाइट टूथ अटक में जो रह गए उसे भी हम अब यहाँ पर वो बिल्कुल ही पैक हो जाएंगे। आप ये धीरे धीरे करें, ये मेरे पास तो ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप धीरे धीरे करेंगे। देखें किस तरह ये हेयर को रिमूव कर रहा है। ये हो गया, अब हम इसकी मीडियम को थोड़ा कम करेंगे। तब मेजर पर क्लिक करें और मीडियम को कम करें। ये मीडियम इसकी अमाउंट है कि कितना स्मूथ हो जाएगा कितना कम। तो हो गया, नाउ सेलेक्ट क्लिक, ओके। अब फेस में थोड़ी सी येलोनेस है, इसको कैसे रिमूव करें? इसके लिए पहले हमें इफेक्ट में जाना होगा और फिर ढूंढना होगा कलर। जैसे आप कलराइज में जाने के बाद ब्लेंडिंग मोड को लाइट कर देंगे और ह्यू को अबाउट 265 कर देंगे और पेड को कम करेंगे। ये अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ये पेड को पिंक कर दिया इसने, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से रेड अच्छा लगेगा। तो फेस के ज़्यादा जो हिस्सा ज़्यादा पिंक है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो जो अमाउंट है नेक्स्ट अमाउंट वो ज़ीरो कर देंगे रेड की तरफ। तो हो गए, आप सेलेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।